हेलो गाइस, आई होप सब आप सब लोग सेफ हैं, ठीक हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। एंड हाँ, डेफिनेटली आप अपना ध्यान रख रहे हो, बट कुछ चीजें हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आज का वीडियो है, मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने कुछ नोटिस करा है पिछले 2-3 महीने से कि आप लोग अपने एक जो ट्रैक पे थे, जो अपने करियर के बारे में आप जो सोच रहे थे, शायद अब वो आप नहीं कर रहे हो। इसका रीजन शायद हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि जिम तो बंद है, तो क्या करेंगे हम, क्यों करेंगे हम। गाइज, हमें एक सिंपल सी बात समझनी है कि जिम देखो पूरी लाइफ तो बंद रहने नहीं वाले, राइट? जैसे देखो, कभी अगर रात होती है तो दिन तो अगले दिन तो क्या होता है, मॉर्निंग तो होती है, सुबह तो होती है। अभी रात थोड़ा लंबी है, ठीक है, लेकिन सुबह जरूर होगी, जिम जरूर खुलेंगे, लोग फिटनेस जरूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चलो थोड़ा सा डिले हो भी रहा है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है गाइज। मैं खुद अपने कुछ क्लाइंट्स को पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, जो कहाँ दे रहा हूँ, ऑनलाइन दे रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, लाइक आई हैव अ फ्रेंड, आप जानते भी होंगे, विनय सांगवान, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग करा रहे हैं। और मेरे फ्रेंड है जैसे मुकुल नागपाल, ठीक है, वो भी अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं खुद हमारे एकेडमी से, जो अपने क्लाइंट्स को इस वक्त ऑनलाइन सेशंस के लिए लेके गए हैं और ऑनलाइन सेशंस करा रहे हैं। तो गाइस, क्यों हम ये ब्रेक लगा रहे हैं अपनी ग्रोथ पे, क्यों हम ये ब्रेक लगा रहे हैं अपने करियर पे, क्यों हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, व्हाई? आपको, आप खुद सोचिए यार, इससे अच्छा टाइम मिलेगा आप लोगों को? नहीं मिलने वाला गाइस। यू हैव लॉट ऑफ टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट इट। घर पे बैठ के इसको वेस्ट मत करो, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, यूज दिस टाइम। कैसे? देखो, ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं सिंस मार्च, हम कंटिन्यूअसली ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। प्लीज आओ, ट्रायल क्लास देखो, बैठो, ठीक है। अगर माइंड सेट ही ये बना लिया है कि नहीं जी ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। आप एक बार आओ देखो गाइज, एडवांस कोर्सेज जो भी हम लोग करते हैं, किए हैं, वो सारे ही प्लेटफॉर्म इसी तरह का है, वो ऑनलाइन ही है, ठीक है। सेकेंड, आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि आप अगर लेट से घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, तो आपका पेट्रोल का पैसे, डीजल के पैसे, वो तो एक्स्ट्रा जा ही रहे ना। अब आपको एक चीज, आपके घर पे ही एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। आप खुद सोचिए, स्कूल्स भी अब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना ऑनलाइन, ठीक है, पढ़ाई तो सफर नहीं कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स अपनी, इसी तरह आप क्यों सफर कर रहे हो? अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। और गाइस, सेम टीचर पढ़ाने वाले हैं, सेम फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं, वो सेम कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक प्रेजेंट है आपकी कि भाई हाँ, आप ऑफलाइन में आकर बैठ गए थे, बस अब एक प्रेजेंट यहां होगी कि आप वहां सामने, हम ऑब्जर्व करेंगे कि आप लेक्चर में बैठे हो, ठीक है। तो प्लीज सबसे पहले चीज ये दिमाग से निकालनी है लोगों की, ऑनलाइन ही पढ़ाई हो सकती, ठीक है, ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। वो भी स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूअली मार्च से पढ़ रहे हैं और स्टिल अभी भी आ रहे हैं, बिकॉज, एंड आप उनसे एक बार बात करके देखिए, अगर आपको लगता है कि दे विल टेल यू, दे विल शेयर एक्सपीरियंस विद यू, हम आपके साथ शेयर करेंगे उनके एक्सपीरियंस कि उनके लिए कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा ऑफलाइन। हाँ, इनिशियली उनको थोड़ा सा लगता था कि वो भी शायद आप लोगों की तरह डरे हुए थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से दे आर स्टडिंग, बहुत अच्छे से वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको एक बात और समझनी है कि मैं लेट्स से वेट करता हूं कि भाई कल को ये कोरोना चला जाएगा और एवरीथिंग विल बी फाइन, तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, तो यानी आप अपने आप को 1 या 2 साल क्या करने वाले हो, पीछे कर रहे हो, ठीक है। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, पढ़ो, ठीक है, एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर करो, एंड देन हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ राइट टाइम ढूंढना है। जैसे ही जिम ओपन होते हैं या फिर लोग डेफिनेटली वर्कआउट शुरू करेंगे, डेफिनेटली जिम ओपन होंगे, तो आप, अब आप एक बात थोड़ा सा और समझो, जितनी भी अच्छे क्लब्स हैं, जितने भी अच्छे जिम्स हैं, वो हमेशा कैसे लोगों को हायर करना चाहेंगे, स्पेशली आफ्टर ऑल दिस, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो सर्टिफाइड हैं, ठीक है, तो उनको सैलरी देना चाहेंगे सब। तो आपको क्या बात समझनी है कि यार, जितनी जल्दी मैं सर्टिफाइड हो जाता हूं, जितनी जल्दी मेरे पास एक अच्छा सर्टिफिकेशन होगा, उतने चांसेस हैं मेरे क्या करने के, ग्रोथ करने के और जल्दी से अपनी इनकम स्टार्ट करने का। तो ये चीज दिमाग से निकालना कि यार, मैं तो तब शुरू करूंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज द राइट टाइम, डोंट वेस्ट इट, प्लीज कम, ट्रायल क्लास लो, देखो क्या होता है, ठीक है। वी हैव अ, आपको भी पता है, एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन, हमारे सारे बैचेस अभी भी चल रहे हैं, सारे कोर्सेज चल रहे हैं, एग्जाम भी हम लोग शुरू करा चुके हैं, ठीक है, एग्जाम भी हो रहे हैं और लोग सर्टिफाइड भी हो रहे हैं। तो गाइस, सिर्फ घर से बाहर ना निकल के
और आप अगर हम अपने दिमाग में सिर्फ एक यही चीज रखने वाले हैं कि यार तब शुरू करेंगे, तो फिर तो देखो कल तो कभी नहीं आता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि आई नो थोड़ा परेशान हो, जिम बंद है, इनकम शायद आप लोगों की उतना नहीं है, ठीक है, और सब परेशान है। देखो गाइस, जो आपके साथ कहानी है वो सबके साथ है, ठीक है, बट हमें डीमोटिवेटेड नहीं होना है, ठीक है, वी हैव टू मोटिवेट आर सेल्फ, ठीक है, इस चीज से हम लोग सब लोग बाहर निकल रहे हैं और निकलेंगे, ठीक है, एंड वापस से हमारी लाइफ ट्रैक पे तो जरूर आनी है, लेकिन इस टाइम को, इस बैड फेज को कैसे मैं अपॉर्चुनिटी में बदलता हूं, वो सबसे बेस्ट एक आगे हमारे लिए बहुत अच्छा चीज रहेगा कि इस टाइम को मैं वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई पे लगाऊं, ठीक है, अपनी एजुकेशन पे लगाऊं, अपनी स्किल्स पे लगाऊं, ताकि इसको मैं आगे जाके यूटिलाइज कर सकूं। सो गाइस, आज मैं यही कहना चाहता था आपसे, एंड आई होप कि आप लोग प्लीज विल लुक फॉरवर्ड फॉर स्टडीज, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट वंस अगेन, एंड प्लीज अपना ध्यान रखिए, ध्यान खाली अपनी हेल्थ का ही नहीं, अपनी करियर का भी रखिए, अपने फ्यूचर का भी रखिए, ठीक है। इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है और ग्रोथ होने ही वाली है, इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली है गाइस, अभी लो है लेकिन उससे ज्यादा ऊपर जाएगी, देखना आप लोग, ट्रस्ट मी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।